अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ईद गुजार रहे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट रिजा कमर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फॉर्म। और मैं हूं आपका होस्ट हमदल सालेह फ्रॉम एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फॉर्म। और हमारी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ESF लाया है एक शो ESF ईद ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे पास कुछ गेस्ट हैं जिनसे हम करेंगे बातें और उनसे लगाएंगे गपशप। हमारे पहले गेस्ट हैं दीवान हसनैन। अस्सलाम वालेकुम दीवान हसनैन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जो हैं इज़मा राशिद। अस्सलाम वालेकुम इज़मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और दीवान हसनैन आप बताएं, आपका रमज़ान कैसे गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बल्कि ये रमज़ान बाकी उनकी निस्बत बहुत ठंडा था, तो इस वजह से जो रोज़े थे वो ज़्यादा फील भी नहीं हुए। और यूनिवर्सिटी की रूटीन थोड़ी टफ थी, लेकिन डेफिनेटली उसको मैनेज किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इज़मा, आपने अपनी यूनिवर्सिटी और रोज़ों को कैसे मैनेज किया एक साथ? थोड़ी मुश्किल हुई मैनेज करने पे, लेकिन अच्छा गुजरा रमज़ान। यूनिवर्सिटी की रूटीन थोड़ी हैक्टिक थी, लेकिन हो गया मैनेज। अच्छा, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो हैक्टिक काम होता है वो होता है उनके एग्ज़ाम्स का, जो फ़ौरन ही ईद के बाद हो जाते हैं। तो आप लोगों की क्या उसकी ईद के बाद के एग्ज़ाम्स की, आप लोगों की, और आप लोगों को किस तरह पता चला कि आपने ईद के बाद अपना करना है? जी बिल्कुल, जब हमें मालूम हुआ कि हमारे जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे ईद के फ़ौरन बाद हैं, तो थोड़ी सी टेंशन भी थी, लेकिन हमने फिर ये सोचा कि पहले हम ईद को इन्जॉय कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। और इज़मा, ईद की एक्साइटमेंट ने थोड़ी सी टेंशन कम कर दी, लेकिन है थोड़ी सी टेंशन, लेकिन ईद तो ईद है, फिर ईद का अपना रौनक अपनी मज़ा होता है। बिल्कुल। और आप बताएं, आपने ईद की तैयारियां कैसे की? ईद की तैयारियां बस अफ्तारी के बाद जैसे शॉपिंग पे जाता है बंदा फैमिली के साथ, इसी तरह सारी तैयारियां की हैं। अच्छा, और दीवान आप बताएं? मैंने ऐसे हमारी लड़कों की तो तैयारी होती ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो बस वो जो होता है कि आखिरी टाइम पे टेलर सूट देते हैं, वो उठा के हम लोग आखिरी दिन पहन के ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। और चांद रात पे? चांद रात पे मैं डेफिनेटली नाई के पास गया था, थोड़े बहुत मैंने अपनी बियर्ड सेट करवाई, बाल कटवाए, तो बस उसके बाद मैं घर जाके रेस्ट किया। सही सही। और इज़्मा आप बताएं, आपका भी ऐसा कुछ होता है? रात हम लड़कियों की तो पार्लर में गुजर जाएंगे, बिल्कुल मेहंदी वगैरह ये सब, उसके बाद उससे फ्री होके जो कुछ सामान रह जाता है ईद का, कपड़े वगैरह जो भी, उसके लिए चले जाते हैं। सही सही। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मजा भी चांद रात का यही आता है कि जब आप एंड टाइम पे निकल के चूड़ियां ढूंढ रहे हो, मेहंदी लगवा रहे होते हो, तो वो एक सबसे ज्यादा एक अच्छा मोमेंट होता है। और रिजा आप बताएं, आपकी चांद रात कैसी गुजरी? मेरी चांद रात बहुत अच्छी थी। हमने सबसे पहले तो बाहर इफ्तारी के बाद, तो हमें जो पता चला उसका, तो हम लोगों की तो आधी तैयारी वैसी ही हम लड़कियों की रहती होती है जो हमने जाके करनी होती है। तो बस हमारी रात 12-1 बजे तक हमारी चांद रात बाहर ही गुजरी। तो आपको टेलर ने सूट दे दिया था? हाँ, वो हो गया था हमारा। लड़कियाँ पहले ले लेती वैसे ही है। सही। और दीवान, आपको और इज़्मा को अब की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? बचपन की ईद हमारी बहुत अच्छी होती थी, हम जो नेबर्स होते हैं उनके घर जाते थे और बहुत सारी ईदी भी मिलती थी। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा जिम्मेदारियां होती हैं, घर को संभालना होता है, काम वगैरह करवाने होते हैं, तो बहुत फ़र्क आया है। अब थोड़ा जिम्मेदारियों का एहसास है, तो ईद को इंजॉय भी करते हैं लेकिन साथ साथ काम भी करते हैं। बिल्कुल। और इज़्मा, आपकी ईद कैसी बचपन में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है? एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जैसे बचपन में होता था चश्मे लगा के वॉच पहन के बंदा निकलता था, अब वो नहीं है, अब बंदा तैयार शहर होता है। बस इसी तरह। और ईद पहले कम मिलती थी, अब ज्यादा मिलती है। तो और सबसे ज्यादा जो एक जो दुख रह जाता है वो होता है कि किसी भी फ्रॉक के या शर्ट के नीचे जो हाईनेक एक पहनी हुई होती है जो सारे सूट की शो बिठा देती है, वो अब चीज़ वो खत्म हो गई है इसमें। तो इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ इज़्मा, आपको फर्स्ट जो ईद मिली थी ईदी, तो कितनी मिली थी और क्या वो आपके पास रही थी, आपकी मम्मा ने आपसे ले ली थी? मुझे ये याद है कि वो 3000 थी। ओह वाओ। लेकिन वो आज तक नहीं मिली, बल्कि अभी भी नहीं मिलती, वो ले लेते हैं कि एक दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे, वो नहीं मिलती। और दीवान आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल, मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन थी, मेरी ईद भी अराउंड 1000 या इस तरह से थी। और उस दौर में तो वैसे भी जो अबू टैक्स कंपनी है और अमी टैक्स कंपनी, वो बहुत सरगर्म थी, तो उन्होंने वो ले ली
और ये कहा गया कि हमने रिश्तेदारों के बच्चों को भी देनी है, लिहाजा ये हमारे पास आएंगे। सही सही। और आपके साथ क्या होता था रिजा? बिल्कुल, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। वो जैसे ही एक हाथ में आती थी तो वो उसी वक्त ही दूसरे हाथ से चली जाती थी कि रिश्तेदारों में पूरी भी करनी है। तो मेरे ख्याल से हम सबके बचपन एक जैसे ही गुजरे हैं यहाँ पे। मुझे डील दी जाती थी कि अभी दे दो, फिर इसमें 500 और डाल के वापस कर, वो आज तक नहीं मिली। ये सबको मिली है, ये मुझे भी मिलती है। ये भी कहा जाता था कि अभी दे दो, जब आपको जरूरत होगी आप हमसे ले लेना। और जब मांगते थे कौन सी कब दी थी, ऐसे ही होता है। और दीवान, आपकी ईद का सबसे फेवरेट डे कौन सा होता है? मेरा ईद का सबसे फेवरेट डे वो होता है जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आज तो ईद का पहला दिन है, लिहाजा फैमिली को टाइम देना है और रिलेटिव्स के पास जाना है। लेकिन ईद का सेकंड या थर्ड डे, जिस दिन दोस्तों के साथ प्लान बने, हम लोग बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं या जो भी हमारा प्लान होता है, तो उस टाइम बंदा बिल्कुल अपनी रूटीन से हट के और बहुत इंजॉय करता है। तो मैं तो उस दिन को बहुत अपना फेवरेट डे मानता हूँ। और इसमें आपका कौन सा ईद का फेवरेट है? पहला दिन सबसे, मतलब जैसे आज है, बहुत अच्छा गुजरता है। सबके घर जाना होता है और सबसे ज्यादा किसने क्या बनाया होगा उसके घर जाके खाएंगे हम, और फिर ईद भी वहाँ जाके मिलती है। पहला दिन अच्छा गुजरता है, दूसरा भी ऐसे दावतों में ही गुजर जाता है, फिर तीसरे दिन से कुछ बंदा नया करता है, कहीं घूमने जाता है। और हम, आपका ईद का दिन कैसे, कौन सा? मेरा ईद का दिन बस सही गुजरता है। हम सुबह उठ के पहले नमाज वगैरह एंड देन फिर हम अपने रिश्तेदारों में जानते हैं, और बेसिकली शुरू से दोपहर का खाना सारा हमारी तरफ होता है, सारे रिश्तेदार हमारी तरफ ही आते हैं। सही। और दीवान, आपसे एक सवाल है, आपको ईद उल फितर ज़्यादा पसंद है, यानी कि ज़्यादा इंजॉय करते हैं, या ईद उल अज़हा, कौन सी आपको ज़्यादा बेस्ट? मैं दोनों ही ईदें मुनासिब इंजॉय करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ईद उल अज़हा पे काम बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। और मैं काम से भागता हूँ तो लिहाजा मैं उसको भी बहुत इंजॉय नहीं करता। ईद उल फितर पे ये होता है कि मेरा ये सारा दिन नमाज के बाद सोने में गुजरता है। सही, तो सही। मैं इस वजह से इसको भी मुनासिब ही इंजॉय करता हूँ। और आप इसमें? ईद उल फितर, क्योंकि एक तो ये काफ़ी टाइम बाद आती है जी, और ये ज़्यादा अच्छी गुजरती है। वो उसका ईद उल अज़हा का पता नहीं चलता, वो बस घर के कामों में और उसमें गुजर जाती है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियों का ये थोड़ा सा होता है कि ईद उल फितर जो है वो लड़कियों की ज़्यादा जो है वो हेक्टिक गुजरती है, क्योंकि घर में दावतें होती हैं और लड़कियों ने ख्याल करना होता है। और ईद उल अज़हा लड़कों की ज़्यादा गुजरती है, क्योंकि उन्होंने गोश्त बांटना होता है और सब करना होता है। तो इस बारे में आप दोनों की क्या राय? मेरा तो ये ख्याल है कि ईद उल अज़हा लड़कियों की भी बहुत टफ गुजरती है, क्योंकि जो गोश्त लड़कों ने बांटना होता है उनके हिस्से लड़कियों ने करके देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हमारी अम्मी होती हैं या जो भी घर में खवातीन होती हैं, वो इसी काम में लगी हुई होती हैं कि ये शॉपर खाला के घर देना है, ये शॉपर पप्पो के घर देना है, नहीं नहीं उसको ये वाली चीज़ें नहीं देनी, इसको ये वाली चीज़ें देनी है। तो उनका भी हैक्टिक रूटीन होती है सेम एज बॉयज़। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन इक्वल ही गुजरता है। और इसमें आप इस बारे में क्या कहेंगी? सेम जैसा इन्होंने कहा कि यही जो पार्टीशन कर रहे होते हैं, इसके घर देना है, उसके घर देना है। बाकी ईद उल फितर मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादा एंजॉय करती हैं, क्योंकि उसमें तैयारी ज्यादा होती है लड़कियों की। बिल्कुल ऐसे ही। और दीवान, आप ईद की नमाज पढ़ के सीधा हमारे साथ आए, आपका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे। और घर में आपने क्या लाइक इसके बारे में पेश किया है? बिल्कुल, मुझे सबसे पहले तो डांट पड़ी, क्योंकि ये पहला दिन होता है कि मेरे घर वालों का, हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो बचपन से वो एक चला आ रहा था सिस्टम। आज मैं यहाँ पे आ गया तो मुझे सबसे पहले तो वाली साहब से डांट पड़ी कि कहाँ जा रहे हो आप, नमाज पढ़ के फौरन भाग रहे हो। तो मैंने एक्सक्यूज़ किया घर वालों से, मैंने थोड़ा वक्त मांगा, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आता हूँ इंशाल्लाह। तो डेफिनेटली थोड़ा मैनेज करना पड़ा। जी बिल्कुल। और इसमें आप बताएं? ऐसे ही है, मुझे भी डांट पड़ी थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि अभी क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही था कि मैंने कहा कि जाऊँगी, आ जाऊँगी जल्दी, जैसे लड़कियों के इतने बजे घर आ जाना है, तो ऐसे ही है। और आप घर में क्या क्या खाएंगे? मेरा घर में तो सोने का ही ज़्यादा टाइम होता है, तो बल्कि उनको खुशी हुई कि कोई एक्टिविटी थी उसके पास कि वो सोने की बजाय वहाँ जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करेंगे अपने गेस्ट के साथ। Institute of Southern Punjab Multan
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन, ISPE ट्रांसमिशन में एक दफ़ा मैं आपको फिर से खुश आमदीद पेश करता हूँ। हम यहाँ पे ESF का स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहे थे, जिसमें मेरे साथ मेरी होस्ट मौजूद थी रिजा कमर। रिजा, आप बताएं आपके ईद कैसे गुजर रही है? अभी हमारे गेस्ट मौजूद थे, हमने उनसे काफ़ी सवालात किए और हम मज़ीद भी उनसे सवालात करेंगे, तो आप बताएं। अच्छा, मेरी तो ईद अब तक बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने बहुत डिफरेंस देखा है, सोने की बजाय यहाँ पर मेरे ख्याल से आपस में बैठ कर बातचीत करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। और मेरे लगता है कि मेरे लिए तो ईद की सबसे बेस्ट मेमोरी यही बनती है। तो मैं आपसे पूछूंगी, मुझे अभी दिमाग में आया कि आपकी ईद की सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है अब तक की बचपन से? मेरी ईद की बेस्ट मेमोरी यही है कि लाइक मैं अपने रिश्तेदारों से जो मिलता हूँ जाके, यही मेरे लिए बेस्ट एक मोमेंट होता है, मेमोरी यही होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरे साल बाद सारे इकट्ठे होते हैं एक जगह, तो मिलना उनसे तो वो एक अलग होता है। दीवान, आपकी बचपन से अब तक की कोई सबसे अच्छी मेमोरी ईद की जो रही हो? बिल्कुल, मेरी ईद की जो सबसे अच्छी मेमोरी है वो ये है, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ है और आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड और ईद उल फितर थी बिल्कुल, और मुझे याद है कि मैंने गाड़ी ड्राइव की थी फर्स्ट टाइम गांव में, और उसके बाद मैंने दरख्त में मार भी दी थी जिसमें मुझे डांट पिटी थी, लेकिन वो एक अच्छी ईद कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे जो एक शौक़ था वो पूरा हुआ था। और इज़मा, आपकी कोई ईद की सबसे बेस्ट मेमोरी अब तक की? बेस्ट मेमोरी यही कि जो हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, रिश्तेदारों के, स्पेशली कजन्स के घर जब जाते हैं तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है, और जो कजन्स आउट ऑफ सिटी रहते हैं वो आते हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आता है, तो यही बेस्ट मेमोरीज हैं। तो इज़मा, मुझे अभी आपको देख के कुछ सवालात करने का दिल किया है जी। आप माशाल्लाह इतना तैयार होके आई हैं, जो आपने गोल्डन से बाल करवाए हैं इसके पीछे की क्या मजबूरी? ब्लॉन्ड इसके पीछे की क्या मजबूरी थी आखिर, क्या करवाना? ये सवाल आपका काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, लेकिन यही है कि लड़कियों से ऐसे नहीं पूछा जाता कि मजबूरी। अच्छा, बहुत मेहनत लगती है इनमें, बहुत पैसा लगता है इनमें। कितना? अच्छा, 20,000 समथिंग। अस्तगफुरुल्लाह, ज़्यादा पैसे आ गए थे मेरे पास। अच्छा, और दीवान आप बताएं। देखिए, मैं तो 200 की कटिंग में भी प्यारा लग रहा हूं। मेरे 20 साल बच गए। आपने 2-0 बचा ली है। बिल्कुल, और उन 2-0 में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम फिर इस ट्रांसमिशन के बाद कुछ खाने पीने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर चलते हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस ईद की ट्रांसमिशन के साथ साथ हम खाने का इंतजाम भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हम करेंगे। हम अब अपने रिजा, मेरे ख्याल हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कुछ सवालात और उनको कुछ सेकंड्स में उसका जवाब देना पड़ेगा। दीवान, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, ब्रेकफास्ट और डिनर? डिनर। डिनर, सही। समर विंटर? समर। मूवीज और बुक? मूवीज। मनी और लव? लव। पक्की बात है? हाँ। देख ले। लव फॉर मनी। अच्छा, रूममेट्स या फिर लिव अलोन? लिव अलोन। मीट और वेजिटेबल्स? मीट। मीट। इसमें आपको सवाल मैं आपसे करूंगी, मूवीज या बुक्स? मूवीज। ईद पे सोना या फैमिली के साथ बाहर जाना? फैमिली के साथ बाहर। चांद रात या ईद? दोनों की अपनी अपनी वो है, पर ईद। 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 ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? ईद उल फितर। ईद उल फितर। और नाजरीन, यहाँ पे हमारा शो एंड किया जाता है। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा, और थैंक यू सो मच आप दोनों गेस्ट के लिए कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया, और थैंक यू सो मच हमद, आपने हमारे साथ मिलकर इस शो को भी किया। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब को और उसके तमाम तलबात को हमारी तरफ से दिली मुबारक।